डिपो में टैंकर के इंजन में लगी आग, एक झुलसा। यह खबर यूपी के देवरिया जिले से है, जहां गौरी बाजार थाना क्षेत्र के बैतालपुर तेल डिपो परिसर में बुधवार की सुबह फिलिंग स्टेशन के पास एक टैंकर के इंजन में आग लग गई। हादसे में टैंकर का एक कर्मचारी झुलस गया। इंडियन ऑयल के फिलिंग स्टेशन के पास आग लगने की घटना से आसपास के इलाके में अफरा तफरी मच गई। संजोग अच्छा रहा कि ग्रामीणों के सहयोग से अग्निशमन दस्ते ने कुछ ही समय में आग पर काबू पा लिया। जानकारी के मुताबिक बुधवार सुबह एक टैंकर इंडियन ऑयल के फिलिंग स्टेशन से तेल लेकर मुख्य गेट की ओर बढ़ रहा था कि चंद कदम की दूरी पर ही टैंकर के इंजन में ओटीपी लॉक करते समय शॉर्ट सर्किट से आग लग गई। आग लगते ही टैंकर चालक कूद गया, लेकिन आग की लपटे में कर्मचारी जैकस निषाद 35 वर्ष निवासी सुपुरी बुजुर्ग थाना गौरीगंज बाजार झुलस गया। डिपो परिसर में आग और धुआं उठते देख आसपास के लोग मौके पर पहुंच गए। लोग आग बुझाने में जुट गए, जिसके बाद करीब एक घंटे के प्रयास में आग पर पूरी तरह से काबू पा लिया गया। बता दें कि इससे पहले भी लग चुकी है आग। इंडियन ऑयल के डिपो परिसर में इससे पहले भी 2004 में आग लगने की घटना हो चुकी है। इसमें सुरेश गुप्ता कर्मचारी गंभीर रूप से झुलस गए थे। दिल्ली में इलाज के दौरान उनकी मृत्यु हो गई थी। सुबह की घटना को लेकर लोगों के जहन में पुरानी घटना की याद ताजी हो गई। अग्निशमन अधिकारी शंकर शरण राय ने बताया कि आग लगने की सूचना पर पहुंचे थे, आग पर काबू पा लिया गया है, अब स्थिति सामान्य है। देखिए देवरिया से रवि प्रकाश की रिपोर्ट। Thank you.